एक बात तो बिल्कुल सही है कि इस दुनिया में मनुष्य रोते हुए पैदा होता है, ज्यादातर शिकायत करते हुए जीता है और अंततः अधिकतर लोग निराश होकर मृत्यु की नींद में सो जाते हैं। इसीलिए जो लोग आज में वर्तमान में जीते हैं वही जीवन का सच्चा सुख भोगते हैं, क्योंकि जो गुजर गया वो वक्त चाहे सुखद था या दुखद क्यों ना रहा हो उसकी अहमियत अब नहीं है और उसमें सुधार की भी कोई गुंजाइश नहीं है। जो आने वाला है वो फ्यूचर में छुपा है, इसीलिए मुनियों, ऋषि मुनियों, योगियों ने कहा था कि ऐश्वर्य आज में है और वो कल भी रहे ये जरूरी नहीं है। आप सदैव अच्छे और शानदार काम करते रहें और इसके लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इसी से आपका फ्यूचर शाइनिंग रहेगा। और यही शब्द मकर राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर महीने में सफलता का गुरु मंत्र बन जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं मकर राशि अक्टूबर 2023 राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज के राशिफल के कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की, कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना, कौन सी आपके लिए ऑस्पिशियस यानी शुभ डेट्स है। उसके बाद बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे, स्टूडेंट और लर्नर की बात करेंगे, सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करने के बाद यादगार और शानदार अक्टूबर कैसे हो इसके होंगे विशेष उपाय। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं अब अपना स्केड्यूल आपको दे रहा हूं जिसमें आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। आइए अब राशिफल की शुरुआत करते हैं ग्रहों के परिवर्तन से। यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 अक्टूबर से बुध नवम भाव कन्या राशि में रहेंगे, 2 अक्टूबर से शुक्र अष्टम स्थान सिंह राशि में, 3 अक्टूबर से मंगल दशम स्थान तुला राशि में, 18 अक्टूबर को सूर्य नीच राशि हो जाएंगे 10th हाउस में, वो भी तुला राशि में, 19 अक्टूबर से बुध दशम भाव तुला राशि में रहेंगे और 30 अक्टूबर को राहु केतु दोनों ही चेंज हो रहे हैं। राहु 3rd हाउस मीन राशि में और केतु 9th हाउस कन्या राशि में रहेंगे। मेरे प्रिय साथियों, हर महीने 2-4 दिन हमारे बड़े खराब जाते हैं जिसमें बहुत सारी फाइनेंस की, परिवार की और भी कई तरह की तकलीफ आती है। इसी कड़ी में 1, 2, 28, 29 अक्टूबर को 4th, 10, 11, 12 अक्टूबर को 8th और 20, 21 अक्टूबर को 12th रहेंगे। ख्याल रखिएगा, शुभ राजयोगों के शुभ डेट्स भी मेरे पास हैं जिसमें आपके साथ कुछ अच्छा होगा और बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। कैसे, इसे आप नोट करते रहिए। 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 और 28, 29 अक्टूबर को गुरु और चंद्रमा का केंद्र का संबंध बनाएगा महान गज केसरी योग। 2 अक्टूबर तक 9th हाउस में और 18 अक्टूबर से 10th हाउस में सूर्य मंगल का पराक्रम योग। 15-16 अक्टूबर को 10th हाउस में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग। 18 अक्टूबर से सूर्य और शुक्र का परिवर्तन राजयोग बन जाएगा। 1 से लेकर 17 अक्टूबर तक 9th हाउस में और 19 अक्टूबर से 10th हाउस में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनने वाला है। इसी से हमने आपके राशिफल की तैयारी की है। शुरुआत करते हैं बिजनेस एंड वेल्थ से और ये मकर राशि यानी 10 नंबर की आपकी कुंडली है, यहां पर मैंने आपको दिखाया है। अब इसी से मैं आपको आगे समझाता रहूंगा तो आपको समझने में थोड़ी आशा नहीं रहेगी। अक्टूबर महीने में आपकी राशि के लॉर्ड यानी शनि विराजमान होंगे 2nd हाउस में और आपकी अब जो शनि है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। शनि आपको धन से संबंधित प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ रकम मिलेगी जिससे पैसे से पैसा कमा पाएंगे। हालांकि आपकी राशि पर शनि के 7.5 प्रभाव है। शनि शनि चले जो शनिश्चर, जो 3 दिन का काम है उसे वो 13 दिन में करवाते हैं और बनती चीज कई बार बिगाड़ते भी हैं क्योंकि शनि अभी वक्री चल रहे हैं। हार्ड वर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी। बिजनेस का विस्तार करने के लिए नए टाइप आपको करने पड़ेंगे, नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा और मैनेजमेंट को और स्ट्रांग करना पड़ेगा, तब जाकर आपका प्रॉफिट बढ़ पाएगा। अब आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस जो कि बिजनेस का ही होता है, उसके लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा चला है माने 1, 2, 22, 23, 28, 29 तारीख को जो महान गज केसरी योग बन रहा है इस टाइम बड़ी डील आप कर सकते हैं। 15-16 अक्टूबर को 10th हाउस में जो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बन रहा है इस टाइम पीरियड में बिजनेस पर्सन्स को नए बिजनेस की डील करना, ट्रेवल करना लाभ दे सकता है। नए लोगों को जोड़ना, नई टेक्नोलॉजी लेना शुभ रहेगा। कैश फ्लो बढ़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, वाइन शॉप और अदर लिक्विड प्रोडक्ट्स में बूम रहेगी, डिमांड रहेगी। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना लाभदायक रहेगा। इसके पीछे कारण गज केसरी योग भी बनता है और आपके कॉमन सेंस के घर पर भी दृष्टि और गुरु की 12th हाउस पर दृष्टि है, जिस वजह से माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट शुभ और मांगलिक कार्य पर खर्च होंगे। अगला पॉइंट है आपके 5th हाउस के लॉर्ड। 5th हाउस किसका होता है? संतान, शिक्षा, लव पार्टनर और एंटरटेनमेंट का है। शेयर बाजार, आकस्मिक धन लाभ का है। 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शुक्र, जो मैंने आपको कहा था सूर्य शुक्र का परिवर्तन राजयोग। यहां से अपने से 4th 8th हाउस में चले गए। कॉमन सेंस शानदार काम करेगा। म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट,
फाइनेंशियल स्कीम में रकम सुरक्षित रहेगी आपकी। शेयर मार्केट, गोल्ड लोन और स्टॉक बॉन्ड में आपको बेहतर फायदा मिल सकता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग और डिजिटल करेंसी, ऐसी चीजों में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए और सोच समझकर पैसा जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा शुक्र की धन भाव पर दृष्टि, तो पैतृक संपत्ति, रुके हुए पैसे भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपके फोर्थ हाउस जो कि सुख सुविधाओं का है, माता जी का है, उस घर में देवताओं गुरु बृहस्पति राहु के साथ चांडाल दोष बना रखे हैं और वहीं पर शनि जो वक्री है उसकी तीसरी दृष्टि यहां पर है। इस वजह से आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज परचेज करेंगे, पुरानी गाड़ी बेचकर नहीं लेना, पुरानी जमीन को बेचकर नया लेना, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन में लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। अब आइए प्रिय साथियों, बात करते हैं इसके बाद जॉब एंड प्रोफेशन की। आपकी राशि से सिक्स हाउस के लॉर्ड बुध 19 अक्टूबर तक तो ये रहेंगे भाग्य स्थान, उसके बाद ये 10th हाउस में सूर्य के साथ बुधादित्य बनाएंगे। उससे पहले 9th हाउस में अपनी उच्च राशि कन्या में विराजमान रहेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल शानदार रहेगी, नए कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे, एनालिटिकल पावर आपकी अच्छी होगी और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। डिजिटल मार्केटिंग, लॉ और मैनेजमेंट से संबंधित कंसल्टेंसी फॉर ऑनलाइन टीचिंग और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को अच्छी जॉब मिल सकती है। इसके अलावा आपके 8th लॉर्ड, जो 8th हाउस है वो हमारे ज्योतिष के अंदर कॉमन सेंस का घर होता है। 8th हाउस के लॉर्ड सूर्य और 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र में राशि परिवर्तन होगा और 10th हाउस में सूर्य मंगल का पराक्रम योग आपको एनर्जी देगा। आपकी जॉब प्रोफाइल में अचानक से परिवर्तन होंगे, वर्क प्लेस में हो सकता है मैनेजमेंट चेंज हो जाए, ऑफिस में नेगेटिव कोई इंप्रेशन डाल सकता है, कोई आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करने का काम करेंगे, आपकी इमेज को खराब करने के लिए षड्यंत्र रचेंगे, तो आपको सावधान रहना होगा। 8, 9, 15, 16 और 22, 23 तारीख को जब गज के रुख बनेगा तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं। बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। आईटी प्रोफेशनल, मेडिकल स्टाफ और जो लोग मैनेजमेंट और लॉ का काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बर्डन कम रहेगा और वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों के लिए डिमांड बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो ये हॉरोस्कोप आप बन रही है, इसमें जो 10th हाउस है वो कर्म का, वो बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडी करने वाले स्टूडेंट अब कॉलेज टाइम में फ्रीलांसर जॉब भी कर सकते हैं और जो लोग आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं, कैंपस प्लेसमेंट में आपको नई जॉब मिल सकती है। जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उसमें नीच राशि का सूर्य थोड़ा अज्ञात भय और एंग्जाइटी बहुत देगा और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वेब डिजाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, रिसर्च एंड डाटा एनालिटिक, फिल्म एक्टिंग, फैशन डिजाइनर, इन लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। ऑफिस पॉलिटिक्स और वर्क प्लेस में होने वाले बैक बाइटिंग को आप अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दी, उस पर ध्यान देना बंद कर दिए, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपके सिक्स लॉर्ड बुध, जो 3 नंबर के लॉर्ड है, बुध है जिसके बारे में अभी बात कर रहा हूं, वो 10th हाउस से बुधादित्य युक्त बना रहे हैं और 10th हाउस को और स्ट्रांग कैसे कर रहे हैं, 4th हाउस से वक्री गुरु की सातवीं दृष्टि बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रही है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आपके सोसाइटी में स्टेटस बेहतर होगा, कॉम्पिटिशन एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, बड़ी नौकरी मिल सकती है। नेम एंड फेम को गिराने की जो लोग कोशिश करेंगे आप उस पर ध्यान नहीं देंगे और लगातार अपना काम करेंगे तो प्रमोशन सैलरी बढ़ना भी हो सकता है, तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, लव फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करते हैं। आपकी कुंडली में जो 4th हाउस है, जो हमारी सुख सुविधाओं का है, वहां पर राहु केतु का प्रभाव हो रहा है और शनि की 2nd हाउस से विराजमान होकर तीसरी दृष्टि राहु पर है। फैमिली मेंबर्स से दूरियां थोड़ी बढ़ेगी, जॉब और बिजनेस के सिलसिले में परिवार और होम टाउन से आप दूर रहेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर सिबलिंग के साथ यानी भाई बहनों के साथ मनभेद हो सकते हैं। माँ की सेहत चिंता का विषय बनेगी। सोशल मीडिया और इंटरनेट के थ्रू फ्रेंड्स जिनका बर्थडे एनिवर्सरी है उन लोगों के साथ तो आप बेहतर ताल्लुकात बनाएंगे, लेकिन अपने घर वालों से आपको बधाइयां नहीं मिलेगी, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, दोनों चीजें बैलेंस होनी बहुत जरूरी है। अब 5th हाउस जो कि लव पार्टनर का है, उसके लॉर्ड बनते हैं शुक्र जो अपने से 4th घर में चले गए, 8th हाउस से विराजमान है, तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए कि कहीं लव एंड अफेक्शन, पीस एंड हार्मनी को आप ढूंढ रहे हैं और कहीं इन्फैचुएशन, क्रश और अट्रैक्शन तो नहीं। जिस लव पार्टनर को आप लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं दोबारा सोचिए। और 2nd हाउस से शनि की दृष्टि, शुक्र शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है जिसमें अगर कुछ खराब होगा तो उजागर हो जाएगा। आपके लव पार्टनर का चिड़चिड़ा स्वभाव, सन की मिजाज रिलेशन को खराब कर देंगे। वर्किंग और लव पार्टनर के बीच लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनरशिप, करियर के चलते शादी पोस्टपोन भी हो सकती है। लिव इन पार्टनर की सेहत में इंप्रूवमेंट आएगा। लंबे समय बाद लॉन्ग ड्राइव पर जाने का सपना या पहाड़ों पर जाने का सपना, एडवेंचर करने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज आपको करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग अनमैरिड कपल है
उन लोगों के इस महीने में मैरिज की डेट फिक्स हो सकती है। न्यूली मैरिड कपल हनीमून के लिए विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। इस महीने आपको अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से बचना चाहिए। 30 अक्टूबर के बाद कंसीव करना आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन संतान जो आएगी वो बेहतर होगी, और जो ऑलरेडी संतान है उनकी करियर और एजुकेशन पर आप बेहतर काम कर पाएंगे। ज्वाइंट फैमिली पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी बातों को तूल नहीं दें, इसे नजरअंदाज करने में ही आपका फायदा है। बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। 15-16 अक्टूबर को 10th हाउस में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग आपको दिखाई दे रहा है और सूर्य मंगल का पराक्रम योग। स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े हुए लोगों को, फिल्म इंडस्ट्री मीडिया लाइन से जुड़े हुए लोगों को अचीवमेंट मिलेगा। सोशल मीडिया में जो लोग यूट्यूबर है, ब्लॉगर है या उससे संबंधित कोई रील्स बनाते हैं और अपना प्रोफेशनली काम करते हैं, उनको अच्छी पब्लिसिटी मिल सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्टूडेंट को बड़े प्रोजेक्ट पर काम मिलेगा। स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट को अपनी स्ट्रीम चेंज करने को लेकर तनाव नहीं लेना चाहिए। टीचर, कोच, मेंटर से जो गाइडेंस मिले उसी के अनुसार फैसला लीजिए। लॉ और मैनेजमेंट, साइंस, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए अच्छा स्कोर करने का समय है, और जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पुख्ता तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना बैठे बैठाए आप ओवर कॉन्फिडेंस में अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। क्रिएटिव काम से जुड़े हुए लोगों को अपने काम में पहचान ये मंगल यहाँ पर दिलाने वाले, और सूर्य आपको ताकत देंगे कि आप तरक्की कर सके। आर्टिस्ट और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को, कला से जुड़े हुए लोगों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो ये जो कर्म स्थान है आपका, ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, बस आप अपने लिए कर्म करना नहीं छोड़ें। तो बात करते हैं सेहत और ट्रैवल प्लान की। इस महीने 3 बार आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। आपकी कुंडली के 6th हाउस जो कि हेल्थ का है, इसके लॉर्ड मंगल, माफ करेगा, बुध मंगल के साथ विराजमान है जो दुश्मन है। सूर्य केतु का ग्रहण दोष, बुध और केतु का जो जड़त्व दोष बन रहा है। इस बैलेफिक प्लेनेट की पोजिशन की वजह से आपके लिए मानसिक तनाव वाला समय, स्पेशली 24-25 तारीख को थोड़ा टेंशन डिप्रेशन हो सकता है। मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, वर्क पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। और शुक्र की 8th हाउस पर पोजिशन पेट और गुप्तांग से संबंधित प्रॉब्लम, लीवर, स्किन की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। हर हाल में आपको अपना ख्याल रखना होगा। तो बात करते हैं अक्टूबर को यादगार और शानदार बनाने के विशेष उपाय। 14 अक्टूबर देव पितृकार अमावस्या पर आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए चींटियों को शक्कर, तिल, तेल, आटा, खोपरे का पाउडर मिक्स करके उन्हें दीजिए शाम को। ऐसा करने से पाप कर्मों का क्षय होगा, पुण्य कर्म उदय होंगे और पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। 15 अक्टूबर शारदीय नवरात्र घट स्थापना प्रारंभ हो रहे हैं। शक्ति आराधना के लिए हरे रंग के कपड़े धारण करें। माँ दुर्गा की आराधना करते हुए ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र की एक माला जाप करने के साथ ही तारा कवच का पाठ भी करिए। 24 अक्टूबर विजयदशमी पर किष्किंधा कांड का पाठ करिए और हनुमान जी को लाल मसूर अर्पित करते हुए मछलियों को कुछ खिला दीजिए। आपका कल्याण होगा और आपके भीतर का राक्षस, रावण रूपी राक्षस का नाश होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनल मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।